हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पेपर सूप, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहले लेंगे बटर 3 टेबलस्पून, दे लेंगे मैदा 4 टीस्पून, दे लेंगे कैप्सिकम 1 और लहसुन 6 क्लोव्स बारीक कटे हुए, दे लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, दे लेंगे चिकन 2 बोनलेस जो श्रेडेड होंगे, फिर फ्रेश क्रीम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, देन कॉर्न और कैरेट लेंगे, कॉर्न 2 टेबलस्पून और कैरेट 1 से 2 टेबलस्पून लेंगे, फिर लेंगे चिकन स्टॉक 2 ग्लास। चलिए अभी इसे बनाते हैं। पहले इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, बटर को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे, गैस की फ्लेम जो है ये मीडियम हाई रखें, अगर आप इलेक्ट्रिक पे बना रहे तो उसे 200-300 वॉट्स पे रखें। इसे पूरा मेल्ट होने दें। गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे होगा, उसे भी फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मेरी आते रहेगी जब भी मैं नई वीडियोस डालते रहूँगा। अभी मैदा डालेंगे 4 टीस्पून, अभी मिक्स करेंगे, इसमें लम्स आएंगे, इसमें हम चिकन स्टॉक डालेंगे, हम सिर्फ 1 ही ग्लास डालेंगे, अभी 1 ग्लास बाद में डालेंगे। अभी देखिए लम्स फॉर्म हुए, तो इसे लम्स को निकालना है उसमें से। पहले तो हम गार्लिक डालेंगे 4 बारीक चॉप्ड, 4 ही डालना है, 2 बाद में के लिए रखना है। बराबर मिक्स करें, जो लम्स दिख रहे उसे निकाल दें, थोड़े बहुत रह गए तो चलेगा क्योंकि बाद में हमें उसे स्ट्रेन करना है। अभी दूसरा ग्लास भी डाल देंगे स्टॉक का, लम्स निकलने चाहिए, ये ध्यान में रखें। देखें अभी ये हो गया है हमारा मिक्सचर रेडी, अभी इसे गैस पे से निकालेंगे और दूसरा हमें चिकन और वेजीज को ये करना है, स्टर करना है, थोड़ा हल्का कुक करना है, तो उसके लिए हमें दूसरा बर्तन लेना होगा, उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, अभी बटर को आस्ते आस्ते मेल्ट करें। फिर इसमें चिकन डालेंगे जो हमने श्रेड किया है, ये तकरीबन 2 बोनलेस पीसेस हैं मीडियम वाले, अच्छा स्टर करें, तो हल्का हल्का कुक हो चिकन। अभी इसमें गार्लिक डालेंगे जो हमने 2 बाकी रखा था, वो अभी डालेंगे थोड़ा चिकन में फ्लेवर आने के लिए गार्लिक का। अभी जो भी वेजीज है आप, मैंने शिमला मिर्ची और कैरेट लिया,
कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, अब आपके मर्जी से डालें। मैंने कैप्सिकम लिया है और कैरेट और कॉर्न लिया है। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न और 1 to 2 टेबलस्पून कैरेट डाला है। इसे मिक्स करें और अच्छा फ्लेवर आने दें इसमें बटर का, और जो गार्लिक डाला है वो भी। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छे से मिक्स करें, पेपर का भी फ्लेवर पूरे मिक्सचर में आना चाहिए। आप ही बनाते टाइम खुशबू लोगे तो आपको खुशबू आनी चाहिए पेपर की भी। इसमें सॉल्ट डाले एज पर टेस्ट, फिर बटर में सॉल्ट होता है इसीलिए थोड़ा कम ही डाले तो बेहतर रहेगा सॉल्ट। स्टर करें, ये मिक्सर प्रिपेयर हो गया है। जो पहले वाला मिक्सचर है अभी उसे इसमें छान ले। वैसे तो हमारे उस मिक्सचर में ज़्यादा लम्स नहीं आए थे, अगर आपके इसमें लम्स आए तो ज़रूर छाने। इसमें देखिए सिर्फ लहसुन के पीस ही दिख रहे हैं, क्योंकि लम्स तो कोई दिख नहीं रहे। तो ये लहसुन के पीस भी उसमें डाल दे। लहसुन के पीस भी सूप के मिक्सचर में डाल दें। पीसे अच्छे से तकरीबन 1-2 मिनट के लिए फ्लेम पे ऐसे ही रख दें। ये वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बताएं कि आपके क्या आपको क्या क्या डिशेस चाहिए। अभी क्रीम डालेंगे 2 टेबलस्पून, देखिए क्रीम डालने के बाद एकदम सूप का कलर जो है वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम वाइट एंड बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है सूप में। फिर थोड़ी देर की बात है सूप रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सिर्फ इसको 1 से 2-3 मिनट के लिए बस रखना है। तो अभी ये बन चुका है हमारा सूप, अभी इसे प्लेटिंग करेंगे। इसके ऊपर एज गार्निश प्रेजेंटेशन के लिए क्रीम डालेंगे थोड़ा ऊपर 1 टेबलस्पून। तो गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।